जब गिद्ध ने रावण को ललकारा कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, अभी आ रहे हैं, ठहर जा, तो लोगों ने क्या कहा, रुको रुको, अरे ये रावण है, जाने दो भाई, उसको उसके सामने कोई नहीं बोलता, वो उसके चलने पे धरती हिलती है, तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जो उत्तर गिद्ध ने दिया यही दुनिया में प्रासंगिक है, आप इसको लिखिए और इसको जीवन में उतारिए, ये जरूरत है भारत के, आज संपूर्ण भारत राष्ट्र में, और वर्तमान भारत की जो तस्वीर दिख रही है इसमें सबसे अनिवार्य ये प्रश्न उठा रहा हूं, जो लोग दुनिया में इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस पर चिंतन करें और इस पर अविलंब कोशिश करें, अगर ये शब्द अमल में आ जाए तो भारत में वो घटनाएं नहीं होंगी जो हम रोज देख रहे हैं। सुनिए, जवाब दे रहा हूं, रावण को तुम मार नहीं पाओगे, रावण से उलझना ठीक नहीं है, रावण बहुत ताकतवर है, वापस आ जाओ। गिद्ध ने कहा कि मैं जाऊंगा। क्यों जाओगे? गिद्ध ने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा, मुझे मालूम है कि मैं रावण की उंगली भी टेढ़ा नहीं कर पाऊंगा, फिर तुम क्यों जा रहे हो? गिद्ध बोला, परिणाम तो मालूम है लेकिन संकल्प कर चुका हूं कि मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा, लेकिन रावण के हाथों मर तो जाऊंगा लेकिन जीते जी भारत की नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। ये आर्यावर्त के पक्षी ने कहा था। आज जरूरत है, और अगर ऐसी बातें नहीं होंगी, इस प्रकार की मानसिकता सबकी नहीं जगेगी, तो सरकारें अपने एक एक इंच जगह पर सरकार पुलिस वालों को खड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी हर घर में पुलिस थोड़ी खड़ी होगी, जब मानवता ही मर गई है तो वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा, जीवित तो मानवता को होना चाहिए, जहां मानवता शर्मसार हो गई है वहां पर तो नित्य कोई ना कोई मणिपुर होगा, कोई ना कोई दिल्ली होगा, कोई ना कोई घटनाएं होगी, चूंकि वो घटनाएं इसको दर्शाती हैं कि मानवता ही मरती जा रही है, अगर मानवता ना मरी होती तो एक भी इतने लोग और तमाशे देख रहे हैं और इस प्रकार की तमाशे हो रहे हैं, इसके लिए सरकारें तो जिम्मेदार हैं, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं, सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस अन्याय को कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जिम्मेदार वो हैं जो इस अन्याय को देख रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, ये अन्याय है, उसके प्रति सबको सजग होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा कि एक व्यक्ति से हो जाएगा, ये आवश्यकता है, ये भारत राष्ट्र के लिए संदेश किया है। और आप जब राम जी ने इस प्रकार का गिद्ध का प्रेम देखा तो उसको प्रेम दिया, और ऐसा प्रेम किसी और को नहीं मिला, जब रावण ने पर भी काट दिए फिर भी उस बंदे ने अपनी बात वापस नहीं ली, पैर कट गए, जमीन में गिर पड़ा, रक्त रंजित वसुधा हो गई, तमाम परिवारी जन आ गए, तमाम लोग आ गए और सबने हाथ जोड़ के कहा, गिद्धराज हमें बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे पर कट गए, हमें बड़ा मन में गिलानी है कि तुम अब उड़ नहीं पाओगे, हमें गिलानी है कि तुम्हारा खून गिर रहा है, लेकिन एक बात बताऊं, तुमने बात भी तो नहीं मानी, अब बोलो तुम्हें कैसा लग रहा है, रावण ने पर काट दिए कैसा अनुभव कर रहे हो? गिद्ध ने कहा कि मैंने तो रावण को गुरु मान लिया। तो गुरु क्यों मान लिया? बोले रावण ने जब पर काटे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और मैं मन में सोच रहा था कि आज से रावण मेरा गुरु हो गया है। क्यों? बोले ये जब तक पांव लगे थे तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं भगवान के पास चलकर जाऊंगा, अब जब ये पांव ही नहीं बचे हैं तो भगवान की जिम्मेदारी है हमारे पास चलकर आएंगे, क्योंकि अब हम पे कोई साधन बचा ही नहीं है, अब हम असहाय हो गए हैं, अब उनसे हम ये कह देंगे कि प्रभु अगर पांव होते तो हम चले आते, अब तो तुम ही आ जाओ, यही अंतिम इच्छा है, और यही इच्छा भगवान ने पूरी की। आगे पड़ा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण चिनर, आंख बंद है, राम राम कह रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण कोई दवाई है जो इसको लगा दे, तो दवा लगने से ही पूछ तो ले कि ये है कौन, ये तो होश में ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले दवा है, ऐसी दवा हो जो इसको होश आ जाए, दर्द खत्म हो जाए। बोले दर्द खत्म हो जाएगा तो जल्दी से लाओ। लक्ष्मण जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, उसके सिर पे रख दिया। अरे ये क्या कर रहे? बोले दवाई लगा रहा हूं, आपका हाथ सिर पे पड़ जाए फिर तो दर्द रहेगा ही नहीं।
कर सरोज तेही परसेहु कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। गीध के गोद में राखे दयानिध नैन सरोजन में भरी बारी और बार ही बार संहारत पंख जटायु की धूर जटान सो झार। जटाओं से झार रहे हैं क्या भाव। और एक आप हैं जो बाण की सैया पे पड़े हैं तो प्रभु एक बात बताओ, हमें तो पिछले 100 जन्म की याद है, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, फिर हमें बाण की सैया पे काय डाल दिया गया। भगवान बोले 101 जन्म पहले तुम एक राजा के राजकुमार थे, एक सांप जा रहा था तुमने बाण मारा वो मरा नहीं, उठा के फेंक दिया, 6 महीने कांटों पे तड़प के मर गया। तो 100 जन्म पहले किया और आज फल क्यों मिला। बोले देखो हमारे यहाँ सिविल कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जज हम अकेले हैं तो फाइल में देर तो हो सकती है लेकिन हमारे यहाँ अंधेर नहीं हो सकता।